हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग ग्लो। दिस इज मंजुला, सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट। और विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज अभी भी हमारा कंटिन्यू है, तो ये इसका तीसरा एपिसोड है, थर्ड पार्ट है तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि एक परफेक्ट विंटर हेयर के रूटीन क्या होना चाहिए, जिससे कि आपके बाल इस सीजन में अच्छे बने रह सके, खूबसूरत बने रह सके और आप आसानी से इस सीजन में अपने बालों को मैनेज कर सके। बोनस ये है कि इस वाले हेयर के रूटीन को फॉलो करने के बाद आपके बाल इतने मजबूत हो जाएंगे कि किसी भी सीजन को आप आसानी से फेस कर सकती हैं, अपने बालों को डैमेज होने से बचा सकती हैं, चाहे वो मॉनसून हो या समर हो या कोई भी सीजन हो। तो इस हेयर केयर रूटीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके बालों को परमानेंटली मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जड़ से सिरे तक। तो इस तरह के बाल अगर आपको चाहिए तो आज की वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से एंड तक और आज वाले हेयर केयर रूटीन को फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विंटर हेयर के रूटीन के लिए अभी मैं एक ऐसा ऑयल बताने जा रही हूँ जो आपके बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को लंबा, घना और ब्यूटीफुल बनाकर रखेगा इस सीजन में भी। तो ये देखिए एलोवेरा मैंने रखा हुआ है, मैं एलोवेरा ऑयल ही आपको बताने जा रही हूँ। तो ऑयल को इस पत्ते से निकालने का सबसे आसान तरीका है कि साइड्स को जो थॉर्न्स होते हैं उसको पहले हटाइए, उसके बाद एक साइड का जो ये लेयर है उसको आप इस तरीके से हटा लीजिए। ये मैं सबसे बड़े वाले पत्ते को ही हटाकर आपको दिखा रही हूँ ताकि एक बार में ही हमारा एलोवेरा जेल सफिशिएंट निकल जाए। तो ये पूरा का पूरा आपका एक बार में ऐसे कट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हट गया, अभी आपका जेल पार्ट आ चुका है। वाले जेल को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से आप कोई भी स्पून लीजिए और ये एक स्ट्रोक में पूरा का पूरा आपका जेल बाहर आएगा। इस तरीके से एक साइड में आप इसको फिक्स कीजिए और देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो ये देखिए एक स्ट्रोक में आपका पूरा का पूरा ये देखिए जेल बाहर आ चुका है। पूरा जेल स्पून से आप स्क्रेप करके निकाल सकते हैं और ये आपका एलोवेरा जेल हो गया। हमें जितनी की जरूरत है एग्जैक्टली ये उतना ही है। तो हमने पैन ले लिया है जिसमें हम ऑयल बनाएंगे और उसमें हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के डालेंगे। एक बात मैं बता दूँ खास की कोशिश कीजिए कि इसके छोटे पीसेस डालने के जो जेल है इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको स्ट्रेन करने में परेशानी होगी। इस ऑयल को बनाने में हम कौन कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। यहाँ तक कि इसमें आप वही ऑयल यूज़ कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही ऑयल होना चाहिए, आपको मैं बहुत सारे चॉइसेस दे दूँगी, आप उसमें से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एलोवेरा जेल निकाल लिया है पत्ते के अंदर से, इसी तरीके से आपको लेना है। आप चाहें तो पूरा जो साबुत होल लीफ होता है उसको भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसको बना सकती हैं, लेकिन उसका जो ऊपर का लेयर होता है उसमें कुछ खास बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस तरीके से अंदर से जेल निकालिए और उसके बाद ये वाला ऑयल क्रिएट कीजिए। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट होगा, देखिए ये फ्रेश मिंट लीव्स हैं, अभी मौसम में है ये, तो विंटर सीजन के लिए जो भी कुछ मैं मास्क या स्प्रे या ऑयल बताती हूँ मेरी कोशिश होती है कि सीजनल हो चीज़ें इंग्रेडिएंट तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने कुछ मिंट लीव्स ले लिए हैं, उसके बाद थोड़े से करी लीव्स हैं। ये देखिए करी लीव्स डालने से फ़ायदा ये होगा कि आपके बाल जो हैं वो काले भी रहेंगे बहुत लंबे समय तक। इस वाले ऑयल का यूज़ करने के बाद आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग की शिकायत भी नहीं होगी। अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग स्टार्ट हो गया है तो वो ट्रीट भी हो जाएगा। इसमें ऑयल कौन सा यूज़ करना है वो मैं बता दूँ। मैं जो ऑयल यूज़ करने जा रही हूँ वो होगा, जो बेस ऑयल होगा वो मेरा मस्टर्ड ऑयल होगा और साथ ही साथ तिल ऑयल होगा। ज़्यादातर मैं मस्टर्ड और तिल ऑयल का यूज़ करती हूँ क्योंकि जब भी मुझे हीट करना होता है। तो इस वाले ऑयल को यूज़ करने का रीज़न वही है कि इन दोनों ऑयल को हीट करने से आपके ऑयल का बेनिफिट ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज आप कैस्टर ऑयल या कोई भी दूसरा ऑयल लेते हैं तो उसको डायरेक्टली आंच पे चढ़ाने के बाद उसके बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ही कम हो जाते हैं। इस वजह से मैं इसको जो इसमें बेस ऑयल यूज़ करूँगी वो होगा मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून और 2 चम्मच बड़े चम्मच तिल ऑयल। देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया और तिल ऑयल ऐड कर दिया और ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसमें इसको हीट में कर चुकी होंगी, इसके बाद मैं ऐड करूंगी 100 ग्राम्स कोकोनट ऑयल और 100 ग्राम्स कैस्टर ऑयल। तो चलिए इसको हीट करते हैं और
देखिए हमारा रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया। इसको हम मैंने 5 मिनट तक हीट किया। पहले मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे किया, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दिया और 5 मिनट्स तक इसको आराम से कुक होने दिया। तो ये हमारा एलोवेरा जेल ऑयल रेडी है। एक बात मैं बता दूं, ऑयल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। कई लोग कोकोनट ऑयल में डायरेक्टली बनाते हैं, कई लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, वो सब भी सही है, लेकिन इस वाले तरीके से अगर आप बनाएगा तो इसका बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमने रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑयल के साथ इसको ग्राइंड करके देन आप स्ट्रेन करेंगे और उसको एज अ हेयर मास्क लगाएंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम इसका ऑयल क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम स्ट्रेन करेंगे। तो हम इसको अब स्ट्रेन करेंगे और ये सारी चीज़ें हटा देंगे, सिर्फ ऑयल हमारा रह जाएगा। ये इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल और तिल ऑयल मिलाया है। देखिए एलोवेरा मिलने की वजह से ये थोड़ा सा थिक हो गया है और ये कितना ब्यूटीफुल कलर इसका आ गया है। और ये थोड़ा सा लगता है मिंट लीव्स इसमें चले हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। अब इसमें जो दो मैं अपने फेवरेट ऑयल ऐड करूँगी वो है ये ऑलिव ऑयल होगा और ये कैस्टर ऑयल होगा और कोकोनट ऑयल। मुझे ऑयल का, बहुत सारे ऑयल का जो ब्लेंड होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैंने नोटिस किया है कि वो मेरे बालों पर सूट भी करता है। तो मैं इसमें 3 ऑयल और ऐड करूँगी, ये कैस्टर ऑयल, ये ऑलिव ऑयल और एक जो थर्ड ऑयल होगा वो कोकोनट ऑयल होगा, तब जाकर ये ऑयल हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर किसी को भी मस्टर्ड ऑयल से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक और ऑप्शन दे देती हूँ कि आप इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड, ऑयल कम है मास्क ज़्यादा है तो आप इसको जिस दिन अप्लाई करें उस दिन बाकी आपको किसी तरह का हेयर मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेयर वॉश करने के ठीक 1 घंटे पहले अप्लाई कीजिए, 1 घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए, फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। ये न सिर्फ आपके बालों को लंबा करेगा बल्कि आपके बालों को घना भी बनाएगा, जड़ों की जड़ों को मजबूत करेगा, स्प्लिट एंड की शिकायत होगी वो दूर होगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग की शिकायत होगी वो दूर होगा और साथ ही साथ आपके बाल जड़ से सिरे तक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। विंटर में इस ऑयल को ज़रूर बनाएं, विंटर अपने बालों को डैंड्रफ से दूर रखें, ड्राइनेस से दूर रखें और बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज के 3 रेमेडीज हो गए पूरे। अब मैं आपको इस विंटर के लिए हेयर केयर रूटीन बता दूं। तो पार्ट 1 में जो रेमेडी मैंने बताया था उसको वीक में 1 या 2 बार अप्लाई करना है और उस रेमेडी के ठीक 1 घंटे पहले आज वाला ये ऑयल अप्लाई करना है, यानी एलोवेरा जेल का जो ऑयल मैंने अभी बताया वो आपको पार्ट 1 वाले रेमेडी के ठीक 1 घंटे पहले अप्लाई करना है। अच्छी तरह से हॉट ऑयल मसाज करना है, यानी इस ऑयल को गर्म कीजिए, अप्लाई कीजिए और उसके 1 घंटे बाद आपको मास्क अप्लाई करना है। पार्ट 2 में जो रेमेडी बताया उसको सिर्फ 1 बार अप्लाई करना है और एलोवेरा जेल का जो ऑयल है उस रेमेडी के 1 घंटे बाद अप्लाई करना है। यानी पार्ट 1 रेमेडी के पहले ऑयल अप्लाई करना है, पार्ट 2 रेमेडी के बाद ऑयल अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको पूरा रूटीन पूरे वीक करना है, यानी पार्ट 1 रेमेडी को 2 बार अप्लाई करना है, पार्ट 2 रेमेडी को 1 बार या फिर दोनों को 1-1 बार भी आप कर सकते हैं अगर विंटर में आप बहुत ज्यादा हेयर वॉश ना करना चाहे। और वीक 2 में आपको क्या करना है वो मैं बता दूं। ये जो आज वाला हेयर ऑयल मैंने एलोवेरा जेल ऑयल बताया सिर्फ इसी को आपको 2 बार अप्लाई करना है और शैम्पू करना है। तो अब इसका पूरा शेड्यूल मैं बता दूं कि वीक 1 की तरह वीक 3 का शेड्यूल होगा और वीक 2 की तरह वीक 4 का शेड्यूल होगा। इस तरह से आपको पूरे 1 महीने तक 3 रेमेडीज को अप्लाई करना है। 1 मंथ तक ये पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो कीजिए और उसके बाद रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करें। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप किसी हफ्ते बहुत ही ज्यादा बिजी हो तो आप एलोवेरा जेल ऑयल से ही काम चला सकते हैं, 2 बार उसको उस हफ्ते भी अप्लाई कीजिए और इस वाले चैलेंज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज को, 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज को आप इस पूरे शेड्यूल के साथ कंटिन्यू करें, देखिए आपके बालों में कितना ज्यादा फर्क आएगा। तो देखा आपने, ये था ये हेयर केयर रूटीन जिससे कि आपके बाल हमेशा ही खूबसूरत बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे जड़ से सिरे तक। होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वाले हेयर केयर रूटीन को आप सिंसियरली अगर फॉलो करें और उसके बाद क्या रिजल्ट आया है इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे केयर, बाय बाय।